हेलो दोस्तों, इंडियागढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 15 मार्च 2021 से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में 3 दिवसीय मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, किरौतपुरी में किया जाएगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सतनाम पंथ के प्रवक्ता बाबा गुरु घासीदास की जन्मभूमि और तपोभूमि किरौतपुरी धाम में 3 दिवसीय गुरुदर्शन मेला इस साल 18 मार्च से 20 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस दौरान यहाँ मेले में जुड़ते हैं। राज्य के विभिन्न जिलों के अलावा देश विदेश के श्रद्धालुओं और दर्शकों का सतनाम पंथ इस प्रमुख अवस्था केंद्र में समागम होता है। मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री गुरु गद्दसिंह श्री विजय कुमार गुरु और छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री श्री रुद्र कुमार गुरु ने कोरोना संक्रमण के साये में आयोजित हो रहे किरौतपुरी मेले में विशेष सावधानी बरतने की अपील श्रद्धालुओं से की है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों, 18 मार्च से 20 मार्च तक 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है किरौतपुरी में। और किरौतपुरी किस जिले से संबंधित है? तो किरौतपुरी बलौदा बाजार जिले से संबंधित है। अब बलौदा बाजार की बात आई है तो बलौदा बाजार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दोस्तों, बलौदा बाजार की स्थापना 2012 मुख्यालय बलौदा बाजार मातृत्व जिला रायपुर से पृथक करके बलौदा बाजार जिले का निर्माण किया गया है। मुख्य खनिज चूना पत्थर, प्रदेश में सर्वाधिक चूना पत्थर की खदानें हैं तो बलौदा बाजार जिले में स्थित है। और इसका भंडारण क्षेत्र कहाँ है? तो जीवन करही, ये चूना पत्थर की प्रमुख भंडारण क्षेत्र है। जनजाति यहाँ निवास करते हैं। बिंजवार, परधार औद्योगिक क्षेत्र और एठी औद्योगिक क्षेत्र और एठी दमाखेड़ा प्रसिद्ध कबीर पंथ का तीर्थ स्थल है। सोनखान छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह बिंजवार जनजाति का यहाँ जन्म स्थल है। मुख्य सीमेंट संयंत्र लफार्ज सीमेंट सोनखान में सोनाडीह में स्थित है। अबूजा सीमेंट रवान में स्थित है। ग्रसिम सीमेंट रमान में, अल्ट्राटेक सीमेंट हिरमी में स्थित है। दोस्तों, किरौतपुरी जहाँ पर 3 दिवसीय अभी मेला होने वाला है। दोस्तों, सतनाम धर्म के प्रवक्ता संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास का जन्म स्थल है। कुतुब मीनार से भी ऊंचा है हमारा जैत स्तंभ, 77 मीटर है। दोस्तों, ये कुतुब मीनार से भी ऊँचा है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। इसकी ऊंचाई है 77 मीटर है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से कहा अस्पताल और मेडिकल कॉलेज जाना जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जगदलपुर। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में संचालित अस्पताल अब शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से जाना जाएगा। 26 फरवरी 2021 को चिकित्सक शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन से जारी आदेश के अनुसार चिकित्सक महाविद्यालय सह अस्पताल का नामकरण शहीद महेंद्र कर्मा स्मृति चिकित्सक डिमरापाल जगदलपुर में होगा। स्वर्गीय महेंद्र कर्मा बस्तर में कांग्रेस के बड़े नेता थे। अजीत जोगी के शासनकाल कर्मा प्रभावशाली मंत्री भी रह चुके थे। बस्तर संभाग में कांग्रेस की राजनीति के वे केंद्रीय ध्रुव बन चुके थे और यहां पार्टी से संबंधित हर छोटे बड़े फैसले में उनकी राय बेहतर मान्य रखती थी। 25 मई 2013 में झीरम कांड में वहां शहीद हुए थे। स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सक महाविद्यालय डिमरापाल में अस्पताल का उद्घाटन जुलाई 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा
किया गया था दोस्तों, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। अब इसका किसके नाम से जाना जाएगा, तो शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से जाना जाएगा यहाँ का मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। जगदलपुर की बात आई है, तो जगदलपुर किस जिले से संबंधित है, तो जगदलपुर बस्तर से संबंधित है। बस्तर की बात आई है, तो बस्तर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। बस्तर की स्थापना 1948, मुख्यालय जगदलपुर। बस्तर किस नदी के किनारे बसा है, तो बस्तर इंद्रावती नदी के किनारे बसा है। इंद्रावती नदी बस्तर का जीवन रेखा, उद्गम स्थल रामपुर थैमूर मैगर पहाड़ी से हुआ है। बस्तर को सालवनों का धूप कहा जाता है। जलप्रपात चित्रकूट इंद्रावती नदी पर स्थित है। तीर्थगढ़ गंगाभार नदी पर स्थित है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982, सबसे छोटा पहाड़ी मैना को यहाँ संरक्षण किया जाता है। भैंसा दाह मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल जगदलपुर। चौराहों का शहर रुद्र प्रताप देव काकती वंश द्वारा इसको बसाया गया था। दलपत सागर प्रदेश के सबसे बड़े क्षेत्रफल के अनुसार गोचा पर्व आषाढ़ माह में आयोजित किया जाता है। काकती राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा प्रारंभ किया गया है। बस्तर का दशहरा विश्व में सर्वाधिक 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा है। खनिज हीरा तोकपाल से प्राप्त किया जाता है। बागसाइड आसनापुर तारपुर अभ्रक दरभा घाटी से प्राप्त किया जाता है। बस्तर में हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है। बस्तर में लर्न जातिया म्यूजियम जगदलपुर में स्थित किया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। हाल ही में राज्य सरकार के अतिथियों के स्वागत के लिए दिया जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राजकीय गमछा। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। राज्य में सरकारी आयोजन के मंच पर अतिथियों के स्वागत की तरीका बहुत जल्द बदलेगा। फूल मालाओं का स्थान राजकीय गमछा लेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग ने देश के अन्य राज्यों की तर्ज पर प्रदेश का अपना राजकीय गमछा तैयार करने का निर्णय लिया है। संस्कृति विभाग के संचालन ने बताया कि असम बिहार राज्यों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ का अपना राजकीय गमछा डिजाइन किया जा रहा है। राजकीय गमछा डिजाइन का काम अंतिम चरणों पर है। तो ये खुशी की बात है दोस्तों, अब फूल मालाओं के स्थान पर गमछा दिया जाएगा स्वागत के अवसर पर। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियागढ़।